लालों की परंपरा वाले हरियाणा लाल परंपरा के सबसे बड़े किरदार रहे हैं चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल प्रदेश और देश की सियासत में एक किंग मेकर के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। प्रदेश और देश की सियासत में अनेक ऐसे अवसर आए जब इस लाल ने कई सरकारों को बनवाने में अपनी खास भूमिका निभाई, तो कई बार सरकार गिरवा कर भी अपनी सियासी ताकत का एहसास करवाया। साल 1967 में देवीलाल ने राव वीरेंद्र सिंह के साथ मिलकर भगवत दयाल शर्मा की कुर्सी गिरा दी, तो कुछ माह बाद ही फिर राव वीरेंद्र सिंह की भी सरकार गिराने में उनकी बड़ी भूमिका रही। साल 1989 के अंत में देवीलाल ने ही वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनवाया और करीब 11 महीने बाद ही उन्होंने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री की कुर्सी से विहीन कर दिया। गौरतलब है कि हरियाणा में लाल परंपरा के सबसे बड़े चेहरे के रूप में चौधरी देवीलाल का नाम लिया जाता है। चौधरी देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 को हुआ। वे विद्यार्थी जीवन में स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त सक्रिय हो गए थे। साल 1938 में उन्होंने अपने भाई साहिब राम को सिरसा उपचुनाव से जीत दिलवाई। संयुक्त पंजाब के समय चौधरी देवीलाल ने पहला विधानसभा चुनाव सिरसा से लड़ा और विधायक चुने गए। वे प्रताप सिंह कैरो सरकार में संसदीय सचिव रहे और 1956 से लेकर 1958 तक पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। चौधरी देवीलाल 1977 से लेकर 1979 और 1987 से लेकर 1989 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। वे दो बार देश के उप प्रधानमंत्री भी बने। साल 1952 में वे संयुक्त पंजाब सिरसा से, जबकि 1962 में डबवाली से विधायक चुने गए। वे 1958 में सिरसा, 1974 में रोड़ी और 1985 में महम का उपचुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे। इसके अलावा 1977 में भट्टू, 1982 और 1987 में महम से विधायक रहे। वे तीन बार लोकसभा के सदस्य रहे। साल 1989 में उन्होंने राजस्थान के सीकर, पंजाब के फिरोजपुर और हरियाणा के रोहतक से संसदीय चुनाव लड़ा और रोहतक व सीकर से चुनाव जीता। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। भगवत दयाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पीछे देवीलाल का भी अहम योगदान रहा। कुछ माह बाद ही मार्च माह में चौधरी देवीलाल और राव बीरेंद्र सिंह ने मिलकर भगवत दयाल शर्मा को हटवा दिया। इसके बाद राव बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बन गए। देवीलाल ने नवंबर 1967 में राव बीरेंद्र सिंह को भी कुर्सी विहीन कर दिया और इसके बाद कुछ समय तक हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू रहने के बाद 1968 में विधानसभा का चुनाव हुआ। साल 1989 के संसदीय चुनाव में जनता पार्टी की लहर थी। देवीलाल एक सर्वमान्य नेता के रूप में उभर कर सामने आए। जनता पार्टी को बहुमत मिला, चौधरी देवीलाल को नेता चुना गया, पर देवीलाल ने प्रधानमंत्री का ताज वीपी सिंह के सिर पर रख दिया। इस तरह से देवीलाल की वजह से 2 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। 10 नवंबर 1990 को देवीलाल के चलते ही वीपी सिंह को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी और फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। ऐसे में देवीलाल एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने प्रदेश और देश में सरकारें बनाने और फिर उन्हीं सरकारों को गिरवाने में एक अहम भूमिका अदा की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।